नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी बड़े जोर शोर से चुनावी अभियान में जुटी हुई है। दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी की पूरी नजर अब पड़ोसी राज्य हरियाणा पर है। यहां चुनावी अभियान में जुटी आप जमीनी स्तर पर मजबूती के लिए लगातार अपने संगठन में विस्तार कर रही है। कल यानी शुक्रवार को ही पार्टी ने अपने गठबंधन को विस्तार देते हुए 164 पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी। इससे पहले 1400 पदाधिकारियों को संगठन में जगह दी गई थी। अब इन्हीं पदाधिकारियों को जीत का मंत्र देने के लिए केजरीवाल खुद हरियाणा आने वाले हैं। आम आदमी पार्टी के नए पदाधिकारियों को शपथ दिलाने और चुनावी रणनीति पर चर्चा के लिए आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आने वाले हैं। 3 सितंबर को भिवानी में इन नए पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम रखा जाएगा, जहां एक बीजेपी की तरफ से शहरों को लेकर गांव तक अपनी पहच बनाने के लिए पन्ना प्रमुख बनाकर हर वोटर तक पहुंचने की तैयारी की गई है। वहीं दूसरी तरफ अब आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी को कड़ी टक्कर देने की तैयारी की है। इसके लिए कुछ ही दिनों में आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में एक बड़ा संगठन खड़ा कर दिया है। आम आदमी पार्टी हरियाणा में अब तक 4000 से ज्यादा पदाधिकारियों का संगठन हो चुका है। बीते 30 अगस्त को ही पार्टी ने 1400 से अधिक नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी। इसमें जिले से लेकर सर्कल लेवल के पदाधिकारी शामिल हैं। 1 सितंबर को एक बार फिर आम आदमी पार्टी ने अपने संगठन में विस्तार करते हुए 164 नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की। इस दौरान आपके प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 2024 चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में सबसे मजबूत संगठन का निर्माण किया जा रहा है। आने वाले समय में प्रदेश के एक एक गाँव में 21 सदस्यों की कमेटी बनाकर गाँव आम आदमी पार्टी का संगठन विस्तार होगा। उत्तर प्रदेश की सियासत में सक्रिय भूमिका रखने वाले कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया इन दिनों पत्नी के साथ अपने अनबन के चलते चर्चा का विषय बन गए हैं। हाल ही में पत्नी भानवी सिंह ने अपनी छोटी बहन पर गंभीर आरोप लगाए थे। इन आरोपों से राजा भैया की जिंदगी में भूचाल आ गया था। इसके अलावा भानवी सिंह की छोटी बहन और राजा भैया की साली का नाम भी इस मामले में जुड़ गया है। आरोपों के बाद छोटी बहन ने भी भानवी पर पलटवार किया। उन्होंने भी बड़ी बहन पर कई सनसनीखेज आरोप लगाए। मामला अब मुख्यमंत्री की चौखट तक पहुंच गया है। दरअसल जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और पत्नी भानवी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। राजा भैया ने अपनी पत्नी भानवी से तलाक के लिए 2022 में याचिका दायर की थी। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी ने ससुराल का घर छोड़ दिया है और वापस आने से इनकार कर रही हैं। तलाक के जवाब में जब भानवी सिंह की ओर से कोर्ट में राजा भैया पर मारपीट और अवैध संबंधों की बात कही गई तो मामला गंभीर हो गया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भानवी सिंह ने राजा भैया पर घरेलू हिंसा, मारपीट, बच्चों की उपेक्षा, अवैध संबंध जैसे कई गंभीर आरोप लगाए। आरोपों में एक आरोप ये भी था कि राजा भैया के संबंध किसी महिला से हैं। हाल ही में राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने ट्वीट कर सीएम योगी से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है कि लखनऊ पुलिस से शिकायत पर कार्यवाही नहीं हुई है, उल्टा उनके पति की शह पर उनकी छोटी बहन ने उनके खिलाफ झूठी तहरीर पुलिस को दी है। इसके अलावा उन्होंने ये भी लिखा है, किसी बहन ने उनके परिवार को तोड़ा है। राजा भैया की भानवी सिंह के साथ करीब 28 वर्ष पहले शादी हुई थी। भानवी सिंह बस्ती राजघराने से ताल्लुक रखती हैं। दोनों के 4 बच्चे भी हैं। राजा भैया ने पत्नी भानवी सिंह से वर्ष 2022 में तलाक मांगा था। उन्होंने कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि भानवी सिंह ने ससुराल छोड़ दिया है, भानवी ससुराल नहीं आना चाहती हैं। भानवी सिंह गलत आरोप लगाकर उनके परिवार की छवि को खराब कर रही हैं। मौजूदा वक्त में राजा भैया और भानवी सिंह का मामला कोर्ट में है। भानवी ने तलाक देने से इनकार कर दिया है। न्यायपालिका पर टिप्पणी करने के मामले में सीएम अशोक गहलोत के जयपुर हाईकोर्ट डिवीजन बेंच ने नोटिस जारी किया है। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने 3 अक्टूबर को सुनवाई की तारीख तय की है। दरअसल हाल ही में सीएम अशोक गहलोत ने न्यायपालिका पर टिप्पणी की थी। 30 अगस्त को मीडिया को दिए गए एक बयान में गहलोत ने कहा था कि न्यायपालिका भयंकर भ्रष्टाचार से जूझ रही है। मैंने सुना है कि कई वकील हैं जो जजमेंट लिखकर जाते हैं, अदालत से वही फैसला आता है। निचली अदालत या ऊपरी अदालतों में हालात बहुत गंभीर हैं। सीएम के इस बयान के विरोध में एडवोकेट एससी गुप्ता ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर सीएम अशोक गहलोत को नोटिस जारी किया है। इस मामले को लेकर 3 सप्ताह बाद जयपुर हाईकोर्ट डिविजनल बेंच में सुनवाई होगी। बयान का विरोध होने पर सीएम गहलोत ने सफाई भी दी थी। लिव इन रिलेशन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि युवाओं को लिव इन में रहना लुभाता है, लेकिन सामाजिक स्वीकृति के अभाव में ऐसे युवा हताश रहते हैं। अदालत ने लिव इन रिलेशन में रहने वाले रेप के आरोपी की सशर्त जमानत को मंजूर करते हुए टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि फिल्म, टीवी सीरियल समाज में गंदगी फैला रहे हैं। हर सीजन में पार्टनर बदलना एक स्थिर और सभ्य समाज के लिए ठीक नहीं है।
चंद्रयान 3 के बाद इसरो ने एक और कारनामा कर दिखाया है। भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च हुआ। PSLV रॉकेट के उड़ान भरने के दौरान भीड़ ने भारत माता की जय के नारे लगाए। चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद अब देश के साथ साथ पूरे विश्व की निगाहें इसरो के सूर्य मिशन यानी आदित्य L1 पर टिकी हुई हैं। श्रीहरिकोटा के लॉन्चिंग सेंटर से आदित्य L1 मिशन को आज 11:50 पर लॉन्च किया गया। आदित्य L1 अंतरिक्षयान को पृथ्वी और सूर्य के बीच की 1% दूरी तय करके L1 पॉइंट पर पहुंचा देगा। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक लैंडिंग के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो एक बार फिर इतिहास रचने की दहलीज पर है। अब देश के साथ साथ विश्व देश की निगाहें इसरो के सूर्य मिशन यानी आदित्य L1 पर टिकी हुई है। श्रीहरिकोटा के लॉन्चिंग सेंटर से इसरो के सूर्य मिशन आदित्य L1 मिशन को आज 11:50 पर लॉन्च किया गया। आदित्य L1 अंतरिक्षयान को पृथ्वी और सूर्य के बीच की 1% दूरी तय करके L1 पॉइंट पर पहुंचा देगा। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में एक आदिवासी महिला को निर्वस्त्र कर घुमाया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक दिनेश MN को घटना की जांच के लिए भेजा। इस मामले में अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा खुद शुक्रवार रात एक्शन में आए। उन्होंने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक दिनेश MN को प्रतापगढ़ भेजा। शनिवार सुबह मिली ताजा जानकारी के अनुसार इस मामले में 3 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए मुंबई में आयोजित विपक्षी पार्टियों की मीटिंग को लेकर कहा कि बहुत अच्छा रहा, मीटिंग हो गई, सभी लोगों ने बातचीत की और मिलकर के सब कुछ तय हो गया है। नीतीश कुमार ने पटना आने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार लोकसभा का चुनाव समय से पहले करा सकती है। वहीं तेजस्वी यादव ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन के पहले वन नेशन वन इनकम होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन को बेकार करने की बात कही है।